बात की गहराई को पकड़ना साथ संगत जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, कोई कहता है स्याही है, कोई कहता है ये किताब है, कोई कहता है जिल्द है, कहते थे मेरी जबान सड़ जाए अगर मैं ये कहूं। कहते थे मुझसे पूछो एक एक अक्षर गुरु नानक बोल रहा है, एक एक अक्षर भावना। जिसने गुरु नानक माना उसे गुरु नानक मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये तो हो गई ऐतिहासिक बातें। एक घटना भाई साहब भाई गुरकपाल सिंह जी ने सुनाई। कहते हैं मैं लंदन में गया, लंदन में गया, जिस एक सिख अपने घर पे ले गया, गुरु का सिख। कहने के मैं देखकर हैरान हो गया, इतना धनवान कि कई अंग्रेज उसके घर में काम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कई अंग्रेज उसके घर में नौकर हैं। पर कहने लगे जब उसके घर में बैठे तो वो जो सिख था, गुरु का सिख, वो जोर जोर से रोने लगा। कहने लगे इतने साल हो गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश घर में है, सेवा कर रहा हूं, पर खाली रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो अंग्रेज ले गए, भावना से मैं खाली रह गया। तो भाई साहब गुरु गोपाल सिंह जी कहने लगे सारी बात बता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उस सिख ने कहा, कहने लगा आप सुनकर हैरान हो जाओगे जो मेरे साथ बीती है। कहने के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है घर में, सुंदर कमरा है, मैं रोज, मेरा नियम है कि मैं गुरु साहिब जी को प्रसादी का भोग लगाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रसादी का थाल आगे रखता हूँ, कपड़े से ढकता हूँ, अरदास करता हूँ, श्री जपजी साहिब जी का पाठ पढ़ के बाहर आ जाता हूँ कि पाछा भोग लगाओ। और थोड़ी देर बजा के थाल ले आता हूँ, जो मर्यादा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर भी किंतु परंतु है। कट्टर लोग कहते हैं क्योंकि गुरु साहिब जी भोग नहीं लगाते। मैंने यहाँ पर स्टेजों में सुना है भावना से हीन लोगों की बातें कि इसका कौन सा मुंह है जो खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरानी की बात है, हैरानी की बात, भावना से खाली हो गए आज हम। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अगर ये खाता नहीं है, इसका मुंह नहीं है, तो अरदास किसे सुनाते हो? फिर तो इसके कान भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुनाते किसे हो फिर? बात तो भावना वालों की है जिन्होंने पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो निर्णय कर दिया ना, मर्यादा एक तरफ रह गई, सब कुछ एक तरफ रह गया। जिन ये नहीं कहा जिन मर्यादा की होती नहीं प्रभ पायो, ये नहीं कहा जिन नाम जपे होते नहीं प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सिख क्या कहता है महापुरुषों से कि मैं रोज भोग लगाता था, एक दिन मुझे बाहर जाना पड़ गया, तो मैंने अपने जो अंग्रेज नौकर है उसे कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भोग आज तू लगा देना। वो रोज देखता था कि सेठ अंदर जाते हैं और थाल लेकर आते हैं रखा हुआ, उसे लगता था कि गुरु महाराज खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वो जो चला गया मालिक, तो ये अंग्रेज सारी घटना बड़े ध्यान से समझना, ये अंग्रेज थाल लेके अंदर गया। जब कहने लगे जब मैं वापस आया तो ये वहीं बैठा है और थाल खाली है, जूठा थाल, सब्जियां भी नहीं है, जैसे खाके खत्म होते हैं जूठे बर्तन पड़े हैं वैसे पड़े हैं, वो भी गुरु साहिब जी के साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के साथ में। तो कहने लगे मुझे गुस्सा आ गया कि ये इसने क्या किया, अंदर बैठ के भोजन खा लिया और जूठे थाल यहाँ रख दिए। कहने लगे मैंने आते पूछा ये तूने क्या किया, तो कहने लगा क्या किया, मैंने तो सिर्फ भोजन खिलाया इन्हें, आपने कहा था खिला देना। तो कहने लगे भाई एक तो तू खाकर जूठे बर्तन रखता है, ऊपर से झूठ बोलता है, कहने मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। क्रोध आ गया ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार नहीं किया, बर्तन झूठे साथ में रख दिए। पर वो जोर जोर से रोने लगा, कहते मारा क्यों, ये जो ये आए थे खाने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्वरूप था, इशारा करके कहते ये आए थे खाने घोड़े पर, नीचे जाके देखो घोड़ा बंधा यहाँ बांधा था पेड़ पर गार्डन में। कहने लगे जब मैं नीचे उतर के गया उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, तो मेरे गार्डन में पेड़ पे जो घास है गीली, नीचे मिट्टी थी गीली, वहां पर घोड़े के पैरों के निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कहने लगा पूरे एरिया में वहां पर घोड़े हैं ही नहीं, दूर दूर तक कोई घोड़ा नहीं। कहने लगा वो इतने भोलेपन से कह रहा था कि ये आकर खाके गए। कहने लगे मेरा रोना निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो अंग्रेज जिसे पता ही नहीं ये क्या है, पर उसे लगा कि खिलाना है,
वो बेनतियां कर रहा है, इंग्लिश में कह रहा है कि खाओ, नहीं तो मालिक आके डांटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।